जो उसके स्टार्टिंग में दिया हुआ है, मतलब पहले अनुप्रेक्षा एक अनुशीलन जो इसका फर्स्ट चैप्टर है। फिर क्या है, कोई भी पुस्तक पढ़ो तो मतलब जो भी ऑथर होते हैं उनके द्वारा जो मेरी बात होती है वो जरूर पढ़ना चाहिए। तो हम आज स्टार्ट तो वहां से ही करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी पहले हम ये मंगलाचरण के रूप में पढ़ते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोय सव्विषाहुणं। मैं धेय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं गेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ, बस एक ज्ञायक भाव हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। अनुप्रेक्षा का मतलब भी भावना होता है या चिंतन करना होता है, चिंता नहीं, चिंतन करना। तो पुस्तक के मंगलाचरण के रूप में भी सबसे पहले शुद्धात्मा को याद किया, आत्मा को याद किया और उसके द्वारा मंगलाचरण किया। अभी हम यहाँ पे नहीं पढ़ते, अभी रोकते हैं। पहले हम जो मेरी बात है वक्ता के द्वारा इस पुस्तक को लिखने के पीछे क्या कारण है, वो सारी बात मेरी बात में कवर हो जाती है। तो वो पढ़ना एक तरह से एक इंट्रोडक्शन हो जाता है हमारे लिए कि हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो वक्ता ने क्यों लिखी और हम इसके द्वारा क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं। देखिए पढ़ते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। इसमें ज्यादा समझाने का नहीं रहेगा, तो आप लोग मतलब पढ़ने में ही इसमें सारा आ जाएगा। देखिए, जब मैं विगत 40 वर्षों के जीवन पर दृष्टि डालता हूँ तो एक बात अत्यंत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है कि अनेक अभावों, संघर्षों और व्याधियों के बीच बीता यह जीवन आगम और परमागम के अभ्यास में अनवरत रूप से संलग्न रहा है। किसी को नहीं पता हो ये पुस्तक किसने लिखी हो तो मैं बता देता हूँ। डॉक्टर हुकुम चंद जी भारेले, जिनको हम छोटे दादा भी बोलते हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी है। वो अपनी बात यहाँ पे मेरी भावना के द्वारा से कह रहे हैं। इसका श्रेय पूज गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को तो है ही, पर मेरे भव भय भीरु धर्म प्रेमी माता पिता को भी है, जिन्होंने अनंत प्रतिकूलताओं के बीच भी 10 वर्ष की अल्प वय में ही आगम के अभ्यास में लगा दिया और निरंतर लगाए रखा। तो आपको उनके जीवन के बारे में भी थोड़ा पता चल रहा है कि 10 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने आगम का अभ्यास प्रारंभ कर दिया था और फिर आगे चल के वो मथुरा के विद्यालय में रहे, वहां पढ़ाई की। काफी लोगों को पता भी होगा वो बात, ठीक है। यौवन के आरंभ में ही पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का सत्समागम मिल जाने से अध्यात्म का रस लग गया और मैं बड़े ही उत्साह से अध्यात्म के प्रतिपादक परमागम के अभ्यास में संलग्न हो गया। गृहस्थोचित विषम स्थितियां एवं यौवन का उद्यम प्रवाह उसमें बाधक न बन सका। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे पूज्य पिताश्री ने मेरे जन्म से पूर्व ही नहीं अपितु तो उनकी शादी के पूर्व ही हमें जिनागम का विशेष विद्वान, विशेषज्ञ विद्वान बनाने का संकल्प कर रखा था। उनके वे शब्द मुझे बार बार याद आते हैं जो वे समय समय पर बड़े ही गौरव से गदगद होकर कहा करते थे। देखो ऐसा भी होता था, मतलब पिता के ऐसे भी विचार थे। आज के टाइम पे देखते हैं कि भाई हम अपने पुत्र को ये बनाएंगे, हम अपने हम ऐसा, मतलब हमारे विचार, हम स्वयं विचार हैं कि आज के जमाने में हम स्वयं के बारे में कैसा विचार करते हैं और अपने परिवार जनों के बारे में भी कैसा। तो एक इनका केस देखिए कि इनके पिताजी, जब उनकी शादी नहीं हुई थी, इनका जन्म तो बहुत दूर की बात है हाँ, तब भी वो ऐसा सोचते थे, ऐसा निर्णय कर लिया था कि मैं अपने पुत्र को
एक विद्वान बनाएंगे। हमारी जन्मभूमि के निकटवर्ती अतिशय क्षेत्र सेरोंजी के मेले के अवसर पर किसी विद्वान का प्रवचन सुनकर उन्होंने संकल्प किया था कि यदि उनकी शादी हुई और संतान हुई तो वे उसे ऐसा ही विद्वान बनावेंगे जो हजारों के बीच धारा प्रवाह प्रवचन करे। अपने स्वप्नों को साकार हुआ देख वे परम संतुष्ट थे और कृतकृत से हो गए थे। पंडित भूधर दास कृत बारे भावनाएं, वे प्रतिदिन प्रातः काल बड़े ही गदगद भाव से गाया करते थे। उनसे सुन सुनकर हमें भी 7-8 वर्ष की उम्र में ही वे बारे भावनाएं कंठस्थ हो गई थी। बोधि दुर्लभ भावना संबंधी निम्नांकित पंक्तियां मुझे बहुत ही आंदोलित करती थी। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। इस असार संसार में धन धान्य सोना चांदी एवं राजाओं जैसे भोग आदि सभी पदार्थ तो सुलभ ही है, पर एक सम्यक ज्ञान ही दुर्लभ है। मतलब दुनिया भर में सारी चीजें सुलभ हो जाएंगी, एक सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना ही सबसे ज्यादा दुर्लभ है। देखो इसमें भी अभी जब बोधि दुर्लभ भावना आएगी, अभी तो काफी टाइम है, तब काफी चीजें हम इसमें देखेंगे कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होने पर तो ये कहा जाएगा कि सम्यक दर्शन महान दुर्लभ है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद संयम की दुर्लभता बताई जाएगी। अब वो स्टेज रहेगा ना, जिस चीज को आपने प्राप्त कर लिया उसकी दुर्लभता भी बताई जाती है और ऊपर चढ़ने के लिए आगे आगे की दुर्लभताएं बताई जाती हैं। तो दोनों बातें होती हैं। जैसे आप हम सभी जब 10th क्लास में पढ़ते थे तो हमारे माता पिता हमेशा 10th की महिमा गाते थे, बेटा 10th क्लास है, इस साल पढ़ लो, इस साल पढ़ लोगे तो पूरा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो मतलब जब हम जहाँ होते हैं उस हिसाब से उस चीज की महिमा बताई जाती है, लेकिन 11वीं 12वीं में आने के बाद फिर वहां महिमा बताई जाएगी, उससे आगे की महिमा बताई जाएगी। तो ऐसे ही हम लोगों ने मनुष्य भाव प्राप्त किया, मनुष्य भाव प्राप्त करने के बाद अब किसकी महिमा बताई जाएगी कि भाई सम्यक दर्शन की महिमा। लेकिन मनुष्य भाव की भी महिमा है, तो जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसकी भी महिमा बताई जाती है, आगे आगे बढ़ने के लिए भी महिमा बताई जाती है। तो इस यादवाद शैली है, नए लगा करके हमको समझना पड़ेगा कि कहाँ किस चीज की महिमा बताई जा रही है, क्या प्रयोजन है, वक्ता का क्या अभिप्राय है। उपदेशात्मक शैली में सभी बातें वक्ता भी ध्यान देते हैं और श्रोता के स्वरूप में भी ये सारी बातें घटित होती हैं कि उनको भी नए का ज्ञान होना चाहिए। नए अर्थात इतना समझ में आना चाहिए कि वक्ता हमारे हमको आगे बढ़ाने के लिए उनका अभिप्राय क्या है, या वो जिस प्रयोजन से जो बात कह रहे हैं हम उसी प्रयोजन को पकड़ भी पा रहे हैं या नहीं। मतलब वक्ता जिस अभिप्राय से बात कर रहे हैं उस अभिप्राय को सम्यक रूप से ग्रहण करना ही श्रोता का कार्य है। तो अभी जैसे हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं बारे भावना एक अनुशीलन, तो इस संबंध में जो वक्ता कहना चाह रहे हैं, जो इस पुस्तक का प्रयोजन है, हम वहाँ पहुंच रहे हैं, उसे ग्रहण कर रहे हैं या नहीं, तो ये सारी बातें अभी हम मेरी भावना पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ में पहला दिन है तो ये सारी बातें भी ख्याल में आए कि हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो इसमें हम किस प्रयोजन से लेकर के पढ़ रहे हैं। आज गुरुदेव सिंह के प्रवचन में सुबह चल रहा था समय सार जी का, तो उसमें भी एक बात आई थी कि भाई पुस्तक को पूरा करना तो प्रयोजन नहीं है, कहीं पुस्तक को पूरा करना प्रयोजन है तो भाई ये तो बहुत छोटा लक्ष्य, खराब लक्ष्य। भले ही धीरे धीरे पढ़ो, आराम आराम से पढ़ो, लेकिन समझ में आए वो बात तो वो प्रयोजन होना चाहिए। चलिए थोड़ा ये बताना था कि सम्यक ज्ञान ही दुर्लभ है, तो सम्यक ज्ञान की भी दुर्लभता कही जाएगी शास्त्र में, शास्त्र में मनुष्य भाव की भी दुर्लभता कही जाएगी। तो वो समझना कि कहाँ किस प्रयोजन से बात कही जा रही है। आगे पढ़ते हैं। ये तो अभी दादा ने बताया कि ये उनको सबसे अच्छी पंक्ति लगती थी। आगे, वैराग्य वर्धक बारह भावनाएं मुक्ति पथ का पाथे तो है ही, लौकिक जीवन में अत्यंत उपयोगी है। इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोगों से उत्पन्न उद्वेगों को शांत करने वाली ये बारह भावनाएं व्यक्ति को विपत्तियों में धैर्य एवं संपत्तियों में विनम्रता प्रदान करती हैं। विषय कषायों से विरक्त एवं धर्म में
अनुरक्त रखती हैं, जीवन के मोह एवं मृत्यु के भय को छीन करती हैं, बहुमूल्य जीवन के एक एक क्षण को आत्महित में संलग्न रख रहे सार्थक कर लेने का निरंतर प्रेरित करती हैं। जीवन के निर्माण में इनकी उपयोगिता असंदिग्ध है। तो कितनी सारी बातें बताई यहाँ पे, 12 भावनाओं को पढ़ने से हमको लाभ क्या होने वाला है, तो लाभ के रूप में कितनी सारी बातें बताई कि हमारे धार्मिक जीवन में तो ये उपयोगी है ही मोक्ष मार्ग के संबंध में, लेकिन लौकिक जीवन में भी हमको एक अच्छा श्रावक कैसा बना जाए, सामान्य गृहस्थ कैसे बना जाए, हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उस समय हम अपने जीवन में कैसे कोप अप कर पाए कि भाई कोई भी इष्ट का वियोग हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया, विपत्तियां आ जाए, संपत्ति आ जाए, तो उस उन सभी के बीच में जीवन को धर्म में कैसे बनाए रखें, वो सारी बातें ये 12 भावनाओं को समझने पर, उनका चिंतन करने पर वो उपयोगिता होती है उनकी। 12 भावनाएं जीवन में एक बार पढ़ लेने की वस्तु नहीं, प्रतिदिन पढ़ने, विचारने, चिंतन करने, मनन करने की अलौकिक भावनाएं हैं। कोई भी आध्यात्मिक रुचि वाला जैन व्यक्ति यदि वह कवि है तो वह पद्य में 12 भावनाएं अवश्य लिखेगा। ये आपने देखा भी होगा कि 12 भावनाएं कितनी सारी लिखी गई हैं, तो उससे भी ये बात पता चलती है। यद्यपि मैं मूलतः कवि नहीं हूं, तथापि मैंने भी यौवनारंभ में ही पद्य में 12 भावनाएं लिखी थी जो आज उपलब्ध नहीं है, कहीं गुम हो गए हैं। एक एक भावना में अनेक अनेक छंद थे जिनकी कुछ पंक्तियां मुझे आज भी याद है, जिन्हें मैं आज भी अपने प्रवचनों में यदा कदा प्रसंगानुसार बोला करता हूँ। बाद में दादा ने 12 भावनाएं लिखी भी हैं जो हम पढ़ते भी हैं, आपने भी देखी होंगी, पढ़ी होंगी। ये जब शाश्वत सत्य के प्रतिपादक आध्यात्मिक मासिक आत्मधर्म का संपादन मेरे पास आया तो मैंने भी उसमें शाश्वत मूल्यों के प्रतिपादक संपादकी ही लिखे जो धर्म के 10 लक्षण, क्रमबद्ध पर्याय, चैतन्य चमत्कार और जिन वरस्य नए चक्रम पूर्वार्ध के रूप में पुस्तकाकार प्रकाशित होकर स्थायी रूप अवधारण रूप धारण कर चुके हैं, अनेक भाषाओं में जन जन तक पहुंच चुके हैं। तो ये जो हम अभी पुस्तक रूप में देखते हैं 10 लक्षण, क्रमबद्ध पर्याय, नए चक्र आदि, ये पूरा पुस्तक के रूप में नहीं लिखे गए थे। आत्मधर्म जो पत्रिका चलती थी उसमें मतलब मासिक चलती थी ना महीने में, तो उसका उसमें एक एक लेख जाता था और वो एक एक लेख जाता था और उनका ही फिर कंपाइलेशन करके ये फिर पुस्तकें तैयार हैं। देखो आगे पढ़ते हैं, मतलब इतनी उपयोगिता, क्योंकि पत्रिका के रूप में एक एक एडिशन आता है और वो आपको संभाल के रखना पड़े, वो ही फिर पुस्तक के आकार में आ जाए तो पढ़ने में आसानी रहती है, इसलिए फिर उनका पुस्तक रूप में भी प्रकाशन हुआ था। जिन वर्ष नए चक्रम के पूर्ण होने के बाद 12 भावना एक अनुशीलन लेखमाला आरंभ करने का संकल्प तो पहले से ही था, पर जब आत्मधर्म ने विषम परिस्थितियों में वितरव विज्ञान का रूप धारण किया तो अनुभव किया गया कि इन विषम स्थितियों में पत्र के आरंभ में ही संपादकियों के रूप में नए चक्र जैसा जटिल विषय चलने देना पत्रिका के प्रचार प्रसार के हित में उचित नहीं है। मेरे अनन्य सहयोगी पंडित टोडल मल स्मारक ट्रस्ट के सहयोग मंत्री श्री नैमी चंद जी पाटनी का अनुरोध तो था ही। अभी ये कुछ हुआ था, हिस्टोरिकल कुछ घटना है, मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ अभी, आप लोगों को पता हो नहीं पता हो, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है। लेकिन पहले जो आत्मधर्म चल रहा था वो फिर स्टॉप हो गया था, बंद हो गया था, उसके बाद से वितरा विज्ञान पत्रिका स्टार्ट हुई थी, तो वो अब नई पत्रिका के रूप में स्टार्ट हुआ। और जिन वर्ष से नए चक्र जो चल रही थी उसमें पहले से उसके लेख आ रहे थे और ये नई पत्रिका स्टार्ट हुई, तो फिर ऐसा हुआ कि वितरा विज्ञान में वो नए चक्र जैसा थोड़ा टफ टॉपिक स्टार्ट ना करते हुए ये 12 भावना का टॉपिक स्टार्ट किया। परिणाम स्वरूप जिन वर्ष से नए चक्रम लेखमाला को बीच में ही रोककर सितंबर 1983 में वितरा विज्ञान के संपादकियों के रूप में 12 भावना एक अनुशीलन
लेखमाला आरंभ की गई, जो विगत अंक मार्च 1985 ईस्वी में ही समाप्त हुई है। आत्मधर्म व वितरा विज्ञान के आरंभ से ही प्रथम पृष्ठ पर हम एक आध्यात्मिक भजन देते रहे हैं। बारह भावना एक अनुशीलन, लेखमाला आरंभ करते समय विचार आया कि अनुशीलन के साथ साथ बारह भावनाएं पद्य में भी लिखी जावे और उन्हें अनुशीलन के साथ साथ प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित किया जावे। उक्त संदर्भ में बहुत पहले लिखी बारह भावनाएं बहुत खोजी, जो उन्होंने ऊपर कहा था ना कि उन्होंने लिखी थी अल्प वय मतलब छोटी आयु में ही, तो वो बोले कि जो पहले लिखी थी वो बहुत खोजी, पर हमारी यह खोज निष्फल ही रही। पर अनुशीलन से उत्पन्न विशुद्धि के बल पर मैंने पुनः पद्य में बारह भावनाएं लिखने का संकल्प किया। परिणाम स्वरूप यह पद्य में बारह भावनाएं एवं बारह भावना एक अनुशीलन आपके समक्ष सहज ही प्रस्तुत हो गया है। अन्य संपादकीय लेखमालाओं के समान अब यह कृति भी पुस्तकाकार के रूप में प्रस्तुत है। इस कृति के साहित्यिक मूल्य एवं सामाजिक उपयोगिता के बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि यह कार्य साहित्य समीक्षकों एवं समाजशास्त्री विद्वानों का है। पर यह कहने में मुझे रंचमात भी संकोच नहीं है कि इस कृति के प्रणयन के प्रेरण ने इस संक्रांति काल में मुझे अद्भुत बल प्रदान किया है, मेरे चित्त को अपेक्षाकृत बहुत कुछ शांत और स्थिर रखा है। ये बात तो है कि आप जिस चीज को लिख रहे हैं, जिस विशुद्धि के बल पे आपने किसी चीज की रचना की, तो उससे आपके परिणामों की निर्मलता तो बनती है, अन्य जीवों का उनके भाग्य से उससे लाभ हो जाए वो बात भी होती है, लेकिन मूल में उस रचना के माध्यम से स्वयं के परिणामों की निर्मलता तो हो ही जाती है। तो वही बात वो बोल रहे हैं कि इसका साहित्यिक मूल्य, सामाजिक उपयोगिता, अब ये वो स्वयं क्या कहें इसके बारे में, जो समीक्षक लोग हैं, अन्य विद्वान लोग हैं, वो इस पे अपना रिव्यू करेंगे, किया भी होगा, लेकिन स्वयं को लाभ तो होता ही होता है। देखें, आत्मधर्म का संपादक होने के कारण पूज्य गुरुदेव श्री के महाप्रयाण से उत्पन्न विषमताओं के तूफानी वेग के थपेड़ों का मूल केंद्र बिंदु विगत चार वर्षों से लगभग मैं ही बना रहा हूं। परिस्थितियों के दुष्चक्र एवं छल बल के अद्भुत प्रयोगों से बार बार छला जाकर भी निराश नहीं हुआ, पथभ्रष्ट नहीं हुआ, अपने सुनिश्चित पथ पर आज भी अडिग हूँ, निरंतर गतिशील भी हूँ। पहले की अपेक्षा अब अपने को अधिक स्वाधीन एवं सशक्त अनुभव करता हूँ। यह सब उन बारह भावनाओं के निरंतर अनुशीलन का ही सुपरिणाम है, जिन्होंने मनोबल को कभी टूटने नहीं दिया और आत्महित के लिए सदैव जागृत रखा। आत्महित की प्रबल प्रेरक इन बारह भावनाओं के इस अनुशीलन ने चित्त को अघट घटनाओं में उलझने से बहुत कुछ विरक्त रखा, लिप्त नहीं होने दिया। परिणाम स्वरूप आत्मोन्मुखी चित्त वृत्तियां यहां वहां ना भटक कर रचनात्मक कार्यों में संलग्न रही। देखो, ये इस चीज से एक सीख हम भी ले सकते हैं कि जब किसी समय ऐसी प्रतिकूलताएं हम पे बहुत ज्यादा हर जगह प्रतिकूलताएं दिखाई देती हैं, ऐसे समय में हमारा उपयोग किसी एक रचनात्मक कार्य में या फिर विशुद्ध परिणामों के साथ किसी एक कार्य में लगे, या रचनात्मक कार्य अब कोई कवि हो या विद्वान हो, वो रचनात्मक कार्य किसी लेखन आदि शोध आदि कार्य में भी लग सकते हैं। सामान्य जन भी अपने योग्य जो एक विशुद्ध परिणाम जहाँ पे हो, विशुद्ध परिणामों के योग्य कोई कार्य हो, वहां पे लग करके अपने परिणामों को संभाल सकते हैं, और उस स्थिति में परिणाम और अच्छे से लगते हैं। हमारे पंडित जी हैं जगदीश पंडित जी, वो एक बार बता रहे थे हमको कि उनको एक बार बुखार हुआ काफी तेज, और सामान्य रूप से भी अध्ययन चिंतन करना ही कार्य रहता है, और बुखार आदि हुआ तो उस समय भी वही कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जिस समय वो बीमार पड़े थे उस समय उपयोग और सूक्ष्मता से चिंतन और चिंतन करने में अध्ययन की दिशा में चला। तो यही है कि ऐसी प्रतिकूलताओं में हम अपने उपयोग को कहाँ डाइवर्ट कर देते हैं, मतलब यदि उस ऐसी प्रतिकूलताओं में उपयोग को सही जगह डाइवर्ट कर दिया जाए तो वहां पे बड़ी
क्या बोले, मतलब और अच्छे से लगेगा और मजबूती से लगेगा, क्योंकि फिर आप बाकी सब जगह से हट करके एक जगह लग रहे हो। ये भी चिंतन, देखो बारे भावना है, भावना को अनुप्रेक्षा भी कहा, चिंतन करना भी कहा, तो बारे भावनाओं को तो प्रसंग ही बहुत अच्छा है कि भाई जब भी ऐसी प्रतिकूलता हो या अनुकूलताएं भी हो, एक बात पहले ऊपर ली थी कि प्रतिकूलता के साथ अनुकूलताओं में भी ये हमको विनम्र बनाए रखता है। मुझे बहुत अच्छा पैराग्राफ लगा था, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ वो। देखिए, देखिए आपने देखा होगा, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोगों से उत्पन्न उद्वेगों को शांत करने वाली ये बारह भावनाएं व्यक्ति को विपत्तियों में तो धैर्य, है ना, विपत्तियों में धैर्य और संपत्तियों मतलब अनुकूलताएं, काफी अनुकूलताएं हो तो उन अनुकूलताओं में भी विनम्रता प्रदान करती हैं, ऐसी बारह भावनाएं। तो हम भी विचार कर सकते हैं, देखो एक वो स्वयं अपना एग्जाम्पल दे ही रहे हैं, उदाहरण के रूप में दिया कि भी उनके जीवन में भी काफी उथल पुथल चली, और ऐसी स्थिति में बारह भावनाओं पे जब उनकी उनकी चिंतन वहीं पे रहा, बारह भावनाओं के संबंध में, तो परिणाम यहाँ वहां नहीं भटके, और देखो ये लिखा ना, परिणाम स्वरूप आत्मोन्मुखी चित्त वृत्तियां यहाँ वहां ना भटक कर रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहे, तो परिणामों की भी संभाल होती है। देखिए आगे पढ़ते हैं, बारह भावनाओं के चिंतन में संयोगों की अनित्यता, असरणता, असारता आदि का जो अविरल चिंतन चला, घटित घटनाओं का वैचित्र उस चिंतन का उदाहरण मात्र बनकर रह गया, चित्त को विचलित न कर सका, अधिक चंचल न कर सका। इस प्रकार इस अनुशीलन से घटना वैचित्र को अविचल सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते जानते रहने का अद्भुत सामर्थ्य जागृत हुआ है, जिसने सहज आत्म शांति का मार्ग प्रशस्त किया है। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि वर्तमान घटनाओं ने मेरे चित्त को विभक्त नहीं किया है, आंदोलित नहीं किया है, या मैं उनसे पूर्णता अलिप्त तो रहा हूं, पर इतना अवश्य है कि उनमें पूर्णता लिप्त भी नहीं हुआ और उस सीमा तक आंदोलित भी नहीं हुआ कि जिससे मेरी आत्मिक शांति और रचनात्मक प्रवृत्तियां प्रभावित होती। संपूर्ण घटना चक्र से गहराई से जुड़ा हुआ होने पर भी मैं उससे विरक्त और अलिप्त रहने में जितना भी सफल हो सका हूँ, मेरे लिए वह अपने आप में एक अपूर्व उपलब्धि है, क्योंकि इसने मुझ में यह आत्मविश्वास जागृत कर दिया है कि अब मैं सांसारिक उलझनों से अलिप्त रहने के अपने संकल्प में एक सीमा तक अवश्य सफल हो सकूंगा। भाई, जीवन का लगभग दो तिहाई भाग तो समाप्त हो ही गया है, आगामी मास में जीवन के बहुमूल्य 50 वर्ष पूरे करने जा रहा हूँ। जीवन के शेष एक तिहाई भाग को आत्महित और पूज गुरुदेव श्री द्वारा प्राप्त वितरागी तत्व को जन जन तक पहुंचाने में ही संपूर्णतः समर्पित कर देना चाहता हूँ। सद्भाग्य से अब मैं लगभग अभी सभी पारिवारिक उत्तरदायित्वों से मुक्त हो गया हूँ, जो शेष है उनसे भी निवृत्त होने की दिशा में शीघ्रता से बढ़ रहा हूँ। ऐसे सौभाग्यशाली लोग बहुत कम होते हैं जिन्हें गृहस्थी के कीचड़ में फंस जाने पर भी इस उम्र में इस प्रकार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। मैं इस अद्भुत अपूर्व अनुकूल अवसर को विगत 40 वर्ष के आगम और अध्यात्म के निरंतर अभ्यास का ही परिणाम मानता हूँ और इसे सार्थक कर लेने के लिए कृत संकल्प हूँ। बारह भावनाओं के गहरे अनुशीलन से उत्पन्न विशुद्धि के अवसर पर आत्महित के लिए कृत संकल्प मैं अपने पाठकों, श्रोताओं, मित्रों एवं परिजनों से हार्दिक अनुरोध करता हूँ कि वे मुझे इस संकल्प की पूर्ति में सहयोग प्रदान करें। उनका सबसे बड़ा सहयोग यही होगा कि वे मुझसे आत्महित संबंधी वार्ता, तत्व चर्चा एवं तत्व प्रचार संबंधी वार्ता के अतिरिक्त कोई लौकिक या सामाजिक चर्चा न करें, क्योंकि मैं स्वयं के शेष उत्तरदायित्वों को शीघ्र पूर्ण कर लौकिक व्यवहारों से पूर्णतः निवृत्त हो जाना चाहता हूँ। उसी प्रकार धार्मिक कार्यों को छोड़कर से सामाजिक कार्यों से भी अपने को अलग ही रखना चाहता हूँ। इन कार्यों में शेष समय और शक्ति को निशेष करना मुझे रंच मात्र भी अभीष्ट नहीं है। पूज गुरुदेव श्री की साधना भूमि
तीर्थराज सोनगढ़ के प्रति गहन अनुराग भी मेरी एक ऐसी कमजोरी है कि वर्तमान संदर्भ में उसकी चर्चा भी मुझे आंदोलित कर देती है। अतः वहां घटने वाला वर्तमान घटना चक्र से भी मैं अपने को पूर्णतः अलग रखना चाहता हूँ। इसमें भी आप सबका सहयोग अपेक्षित है। लेखन के भी संदर्भ में मैं अपनी भावना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आध्यात्मिक विषयों के अतिरिक्त विषयों पर लिखना भी मेरी रुचि के अनुकूल नहीं। अतः पत्र पत्रिकाओं, स्मारिकाओं आदि के लिए लिखना भी मुझसे संभव न होगा, क्योंकि अब मैं अपनी संपूर्ण शक्ति उन आध्यात्मिक विषयों के लेखन में लगाना चाहता हूँ जो मेरे चिंतित विषय हैं, जिन पर मैंने वर्षों से अनुशीलन किया है, चिंतन मनन किया है। मैं चाहता हूँ कि वे विषय समय रहते लिपिबद्ध हो जावे, चाहे परिस्थिति वश ही सही, पर मेरे हित की दृष्टि से 12 भावनाओं का यह अनुशीलन एकदम सही समय पर हुआ है, क्योंकि इस अनुशीलन ने मुझे सही समय पर जागृत कर दिया है। मुझे विश्वास है कि इस अनुशीलन को जो भी व्यक्ति पवित्र हृदय से पढ़ेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, इसमें व्यक्त रहस्य को गहराई से अनुभव करेगा, उसकी भी जीवन धारा परिवर्तित हुए बिना नहीं रहेगी। इस अनुशीलन में अद्यावधि उपलब्ध 12 भावना साहित्य में व्यक्त सभी बिंदुओं पर गंभीर विचार किया गया है। सभी दृष्टिकोणों की सुसंगत समीक्षा की गई है। प्रत्येक दृष्टिकोण को तर्क की कसौटी पर कसा गया है, उसकी तर्क संगत व्याख्या की गई है। प्रथम निबंध, अब जो इसकी विषय वस्तु है उसके बारे में बता रहे हैं, तो जो सबसे पहला निबंध है वहां प्रथम निबंध में 12 भावनाओं का सामूहिक अनुशीलन किया गया है, जिनमें 12 भावनाओं के चिंतन की आवश्यकता, उपयोगिता, महिमा एवं चिंतन प्रक्रिया के क्रमिक विकास आदि बिंदुओं को स्पर्श किया गया। तो ये जो 12 भावनाएं हैं, इनका एक तरह से 12 भावनाओं को सामान्य स्वरूप पहले निबंध में बताया गया। तत्पश्चात 12 निबंधों के माध्यम से प्रत्येक भावना की विषय वस्तु एवं चिंतन मनन प्रक्रिया को आवश्यक उदाहरणों के साथ स्वउदाहरण स्पष्ट किया गया है। जहां आवश्यकता प्रतीत हुई, वहां तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है। संसार भावना और लोक भावना की चिंतन प्रक्रिया में मूलभूत अंतर क्या है, इस प्रकार की शंकाएं यथास्थान स्वयं प्रस्तुत कर उनका समुचित समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस अनुशीलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें 12 भावनाओं की मूल आत्मा आध्यात्मिकता और वैराग्य भावना, जो 12 भावनाओं की मूल आत्मा है ना, मतलब आध्यात्मिकता और वैराग्य भावना, ये 12 भावनाओं का मूल है, वो पग पग पर प्रस्फुटित हुई है। तर्क संगत गद्य अनुशीलन में बुद्धि पक्ष की प्रधानता होने से भावात्मक वैराग्य भावनाओं को ठेस पहुंचने की संभावना पग पग पर बनी रहती है, तथापि इसमें सर्वत्र यथासंभव सावधानी बरती गई है। पद्यमय 12 भावनाओं में तो अध्यात्ममय वैराग्य भावनाओं का तरल प्रवाह सर्वत्र दृष्टिगोचर होगा। तरल प्रवाह को बल देने के लिए पुनरुक्तियों का भरपूर प्रयोग हुआ है, पर भावना के प्रकरण में पुनरुक्ति दोष नहीं गुण माना गया है। ये बात जब समय सार का अध्ययन किया जाता है, कराया जाता है, स्वाध्याय में लिया जाता है, तो भी ये वाली बात आती है कि आध्यात्मिक पहलू में, भक्ति में, मतलब जो सिद्धांत ग्रंथ होते हैं वहां तो पुनरुक्ति दोष लगता है, लेकिन भावनाओं के प्रकरण में, भक्ति के प्रकरण में, अध्यात्म के प्रकरण में रिपीटिशन ये दोष के रूप में नहीं, गुण के रूप में स्वीकार किया जाता है, कि तभी उसमें गरलता आती है। मतलब अधिक रस कब दिखाई देगा, कि जब वो रिपीटेड हो। तो भावनाओं में, भक्ति में ये ऐसा होता है। ठीक, आगे लिखते हैं। आचार्य जयसेन लिखते हैं, भावना ग्रंथे पुनरुक्त दोषा भाव त्वादः। भावना ग्रंथ में पुनरुक्ति को दोष नहीं माना जाता है। इन पद्य में 12 भावनाओं को अध्यात्म प्रेमी समाज ने जिस उत्साह से अपनाया है, उसकी मुझे कल्पना भी ना थी। 26 जनवरी 1985 को प्रकाशित 10,000 प्रतियों का प्रथम संस्करण समाप्त हो गया है, और ढाई माह के भीतर ही महावीर जयंती के अवसर पर 3 अप्रैल 1985 को
10,000 प्रतियों का ही दूसरा संस्करण छपाना पड़ा है। उसी प्रकार अब तक इसके 4,000 से भी अधिक कैसेट भी जन जन तक पहुंच चुके हैं। कैसेटों के संदर्भ में एक बात और भी उल्लेखनीय है। देखो, आप लोग नई जनरेशन हो गए, उनको तो नहीं पता होगा कैसेट के बारे में, हमने तो देखी भी है, सुनी भी है। देखिए, कैसेटों के संदर्भ में एक बात और भी उल्लेखनीय है कि जनता उनकी एक से अनेक प्रतियां स्वयं तैयार कर लेती है, जैसे आज के टाइम पे होता है, वैसे पहले भी होता होगा। इस प्रकार न जाने वे अब तक कितनी मात्रा में कहां कहां तक पहुंच चुके होंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इनके प्रणयन में मैंने आचार्य कुंद कुंद और स्वामी कार्तिकेय से लेकर अद्यावधि उपलब्ध बारह भावना साहित्य का भरपूर उपयोग किया है, जिन ग्रंथों के उद्धरण या उल्लेख यथास्थान इस कृति में हुए हैं, उनके अतिरिक्त भी बहुत सा साहित्य एवं साहित्यकार ऐसे रह गए हैं जिनका भरपूर उपयोग मेरे चित्त के परिमार्जन एवं इस ग्रंथ के प्रणयन में हुआ है। उन सभी का मैं चिर कृतज्ञ हूँ। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है वह सब आगम और परमागम में यत्र तत्र उपलब्ध है। मैंने तो पूज्य गुरुदेव श्री से प्राप्त आध्यात्मिक दृष्टि से उसका गहरा अध्ययन कर उसी रूप में मात्र व्यवस्थित ही कर दिया है। कर क्या दिया, सहज ही यह सब हो गया है। ये बड़े पुरुषों का होता है कि वो कर्तृत्व तो नहीं अपने ऊपर लेते हैं। यह परमागम का प्रसाद जो भी है, जैसा भी है, सभी आत्मार्थी बंधुओं की सेवा में सादर समर्पित है। इस पावन भावना और विश्वास के साथ कि सभी आत्मार्थी इसका भरपूर उपयोग कर निज उपयोग को निज में ही लगा देंगे, निज में ही जम जाएंगे, निज में ही रम जाएंगे और सहजानंद के धाम निज भगवान आत्मा की आराधना कर सहजानंद को सहज ही उपलब्ध कर लेंगे। इस कृति के अध्ययन से आत्मार्थी बंधुओं को यदि आत्महित की थोड़ी भी प्रेरणा मिली तो मुझे आंतरिक प्रसन्नता होगी, अन्यथा मुझे जो लाभ हुआ है मेरा श्रम तो उतने से ही सार्थक हो गया है। यदि कोई विशेषज्ञ बंधु कृति के परिष्कार के लिए समुचित सुझाव देंगे तो हम उनका सच्चे हृदय से स्वागत करेंगे और अगले संस्करण में उनका यथासंभव उपयोग भी अवश्य करेंगे। इस संपूर्ण कृति का मूल केंद्र बिंदु एकमात्र ध्रुव धाम की आराधना का सार है, यही है। अतः सभी आत्मार्थी जन ध्रुव धाम निज भगवान आत्मा की आराधना में ही रत होकर अनंत अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करें, इस पावन भावना के साथ विराम लेता हूँ। इसमें काफी सारे बिंदु हमारे लिए स्पष्ट हुए हैं। मुझे पता है मैंने थोड़ा स्पीड ज्यादा ही रखी, क्योंकि उसका भी एक रीजन है, क्योंकि मेरी बात अभी विषय प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन इसमें काफी सारे पॉइंट फिर भी ऐसे आए हैं जो हम अपने जीवन में चेक करें कि भाई हमारे जीवन में क्या है क्या नहीं है, और इन सारी चीजों को अपने जीवन में यूज करके लगा करके हम अपने जीवन को कितना सार्थक बना सकते हैं, कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं, वो ध्यान देना चाहिए। और मेरी स्वयं की ऐसी आदत है कि कोई भी पुस्तक या कोई भी ग्रंथ पढ़ता हूँ तो मतलब मेरी बात संपादकी वगैरह भी पढ़ता हूँ, वो मैंने अभी नहीं पढ़ा क्योंकि नहीं तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। लेकिन आप लोग भी ऐसे ही जब भी किसी नए ग्रंथ का प्रारंभ करें, कोई नई रचना को पढ़ें, तो उसके आगे पीछे की भी बात पढ़नी चाहिए, जो रचनाकार हैं जो उसको लिख रहे हैं उनकी भी बात पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से पता चलता है कि उन्होंने कैसी परिस्थिति में और कैसी मनोभावनाओं के साथ उस ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, अब मूल विषय कल से प्रारंभ होगा, जिसमें अनुप्रेक्षा का सामान्य स्वरूप, ये हेडिंग भी दी हुई है, अनुप्रेक्षा का अनुशीलन, वो विषय कल से प्रारंभ होगा, तो वो हम कल से पढ़ेंगे, अभी इतना ही रखते हैं। जिनवाणी स्तुति करेंगे। आपको भी कोई क्वेश्चन हो तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। कोई आपको पॉइंट्स बनाते हैं तो शायद दिव्या ऐसा कर रही है कि एक थ्रेड अपने फोरम पे एक थ्रेड बन जाएगी और आप उसमें अपने अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, तो उस माध्यम से आपका भी मतलब उपयोग और सूक्ष्मता से लगेगा और आप भी थोड़ा रचनात्मक कार्य करेंगे। ठीक है, अभी जनवाणी स्तुति। जवाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ जो।
नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लय सौ।